सभी किसान साथियों को मेरी राम राम। मैं डॉक्टर विकास पुनिया आज गांव पाड़ी ब्लॉक लुआरू में आया हूं जी। तो एक अपने भ्रांति है कि यूरिया कपास में किस समय डालनी चाहिए। देखो सबसे मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन। हम ये सोचते हैं कि भाई यूरिया नहीं डालें, बिल्कुल गलत। बस इसका एक तरीका हमें सीखना है कि भाई किस टाइम डालनी चाहिए। तो आप बिजाई के समय, अगर सही मौसम है तो बिजाई के समय भी थोड़ी बहुत यूरिया दे सकते हो। अब जो बरसात हुई है तो ज़रूर से ज़रूर यूरिया दो। इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, जो शुरुआत की ग्रोथ है, उसमें बहुत ज़रूरी है यूरिया। कोई कहता है भाई ना बरसात होगी यूरिया नहीं देनी, इस टाइम की जो बरसात है ज़रूर यूरिया दो। हमें यूरिया किस टाइम नहीं देनी है, हमें नहीं देनी है मानसून में। उसके दो तीन कारण हैं। जब आप मानसून में जाएंगे तो ये फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगी। एक महीने बाद ये जो बाड़ी है अपनी कपास है, इसमें फूल लगने शुरू हो जाएंगे। और फूल में जो सबसे कम जरूरत होती है वो होती है नाइट्रोजन की। अगर आप यूरिया ज़्यादा दोगे तो ये फूल जड़ेंगे। दूसरी चीज़, जब बरसात हो जाती है, यानी कि मानसून की, ये वाली नहीं थी, जो मानसून की जब अपनी बरसात हो जाती है तो वैसे ही जो अपना है ना नाइट्रोजन आ जाता है, चाहे थोड़ा आए, तो उसमें क्या होता है, जो अपने पत्ते हैं उनमें रस हो जाता है ज़्यादा। जैसे ही आप यूरिया डालते हो मानसून में, तो वो रस और भी ज़्यादा हो जाता है। और प्रकृति का नियम है, जो चीज़ ज़्यादा हो गई उसको खाने के लिए कोई ना कोई आएगा। आपके पत्ते में रस ज़्यादा है तो क्या आएगा, वो रस चूसे कीट आएंगे। मान ली सफ़ेद मक्खी आ गई, तो उन आड़ का बेरा है, सफ़ेद मक्खी न जान का थोड़ी बेरा है। तो जैसे ही आप यूरिया डालते हो मानसून में, मान लो आपने आधा कट्टा डाल दिया है, जो भी डाल दिया, उसके बाद आप चौथा पांचवा दिन देखोगे टॉक्सी बनी पाओगे। ये है जी, तो यही है। जो किसान साथी, यूरिया जरूर डालो लेकिन मानसून में मत डालो। मानसून में क्या होता है, हवाओं में नमी हो जाती है, तो आपका रस पूरा रहो है, और फ्लावरिंग स्टेज होती है तो उसमें नाइट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं होती। तो इसलिए हमें इस समय बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए जी यूरिया, जो मानसून में। उसमें अगर आपको कमी दिखे तो नैनो यूरिया डाल लो। और उसके बाद जब आपके टिंडे का साइज बढ़ना शुरू हो जाए अच्छा खासा, यानी लगभग डेढ़ महीना हो जाए मानसून में, मान लो 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त, जो एक पीरियड मानसिक हो गया, आपने यूरिया नहीं देनी, उसके बाद जो टिंडे का साइज होता है ना, उस समय आप यूरिया डाल सकते हो। और यूरिया आधा कट्टा से ज़्यादा अपनी हल्की ज़मीनों में बिल्कुल भी ना डालो। ये ज़मीनें ऐसी हैं, खुली हैं, आपने डाली ज़्यादा नीचे चली जाओगी। तो 15-15 किलो करके आप डाल सको हो। और अब जो भी है, अब अच्छी बरसात हो रही है तो यूरिया आप ज़रूर दो। तो आप मेरे हिसाब से लगभग क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो सभी किसान साथियों का धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ।